बीजेपी के लिए कहा जाता है कि उसके फैसले ऐसे होते हैं कि सारे अनुमान फेल हो जाते हैं। आज छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने कुछ ऐसा ही किया। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय का नाम चुन लिया गया। अब उनकी ताजपोशी 13 दिसंबर को रायपुर में होगी। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर जिन नामों की चर्चा पहले हो रही थी, उससे अलग बीजेपी ने विष्णुदेव साय का नाम आगे किया और छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों ने सर्वसम्मति से उनके नाम पर मुहर लगा दी। इससे पहले रेणुका सिंह, गोमती साय और अरुण साव के नाम की चर्चा तेज थी, लेकिन बाजी हाथ लगी विष्णुदेव साय को। विष्णुदेव को चुने जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के नेताओं ने विष्णुदेव साय को बधाई दी। विष्णुदेव को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मतलब बीजेपी यहां भी यूपी जैसा दो दो उप मुख्यमंत्रियों वाला मॉडल लागू करने की तैयारी में है। विष्णुदेव साय का चुनाव तो हो गया, लेकिन सवाल है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री कब चुने जाएंगे। मध्य प्रदेश में तो कल विधायक दल की बैठक प्रस्तावित है और हो सकता है कि कल वहां भी मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाए। इसी तरह राजस्थान में विधायक दल की बैठक मंगलवार को होने की संभावना है। संभावना शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विधायक दल की बैठक पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। विष्णुदेव साय ने कैसे बाकी नेताओं से बाजी मारी और उन्हें किस आधार पर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुना गया, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने जो संदेश दिया वो कैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए नए चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय को मौका दिया। वैसे रेस में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम भी था, लेकिन बीजेपी ने पुराने चेहरे के बजाय नए चेहरे पर भरोसा जताया। अब यह सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बीजेपी यही फॉर्मूला अपनाएगी? क्या वहां भी बीजेपी पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों पर दांव लगाएगी? सवाल यह है कि क्या रायपुर से जयपुर और भोपाल तक बीजेपी ने संदेश पहुंचा दिया है? अब देखना है कि क्या राजस्थान और एमपी से भी कोई सरप्राइज नाम सामने आ सकता है। छत्तीसगढ़ के भावी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। उन्होंने विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब 12 या 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण हो सकता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की रेस में चार चार नेता थे, लेकिन रेस में जीते विष्णुदेव साय। उनके बारे में आपको थोड़ी और जानकारी हम देते हैं। विष्णुदेव साय ने सरपंच से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। सन 1989 में वो बगिया के सरपंच रहे। इसके एक साल बाद ही साल 1990 में वो विधायक चुने गए। रायगढ़ से 1999 से लगातार चार बार सांसद रह चुके हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो स्टील यानी इस्पात खनन राज्य मंत्री रहे हैं। विष्णुदेव साय दो बार छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस बार बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का आदेश दिया था और कुनकुरी विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए। अब उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान मिल गई है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कमान मिलते ही विष्णुदेव साय ने अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए सबसे पहला वादा किया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे। साथ ही विष्णुदेव साय ने यह भी ऐलान किया कि भूपेश बघेल सरकार में मोदी सरकार की जो भी योजनाएं लागू नहीं हो पाई उन्हें लागू किया जाएगा। विष्णुदेव साय ने ऐलान किया कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसानों को दो साल का बकाया बोनस भी देंगे। सुनिए विष्णुदेव का बयान। जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है, उस दिन दो साल का बोनस जो हम लोग की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, दो साल के दौरान जितने भी कृषक धान बेचे हैं इनके सबके खाते में दो साल का बोनस दिया जाएगा। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना वादा पूरा किया। आज से ठीक एक महीने पहले विष्णुदेव साय के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने तभी संदेश दे दिया था कि वो विष्णुदेव साय को बड़ी जिम्मेदारी देंगे। सुनिए अमित शाह का वो पुराना बयान। माताओं, भाइयों, बहनों,
विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे, हम करेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान जैसे ही हुआ, रायपुर में बीजेपी मुख्यालय से लेकर जशपुर में विष्णुदेव साय के गृह जिले तक खुशी की लहर छा गई। जश्न पर जमकर आतिशबाजी की गई और छत्तीसगढ़ पूरे जोश में नाचकर इस मौके पर जश्न मनाया गया। वहीं उनके परिवार ने भी इसे सपने के पूरे होने जैसा बताया। समाज के लिए और प्रदेश के लिए, प्रदेश के लिए तो सुनहरा अवसर है कि उनके लिए जो सरल और सच्चा व्यक्ति था आज उनके लिए एक दायित्व मिला है और वो जनता का ही प्यार है। तो समझ छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्यार। वही उनकी माँ का भी इलाके के लोगों ने सम्मान किया और माला पहनाकर उनका मुंह मीठा कराया। विष्णुदेव साय की माँ भी इस मौके पर बेहद खुश नजर आईं। मैं तो चाहती हूँ कि देश का सेवा करे, जनता का सेवा करे, धर्म का भी करे, सबको एक समान करे, सबका दुख सुख सबको सुने, सबका सहायता करे। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर कैसे बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में जीत की पहली सीढ़ी तैयार कर दी है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। सीएम पद के लिए नाम का ऐलान होते ही विष्णुदेव साय ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का चैलेंज ले लिया है। छत्तीसगढ़ के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया। विष्णुदेव साय के नाम से बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को मैसेज दे दिया है। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति क्लियर है कि अब पुराना चेहरा नहीं चलेगा, यानी बाकी दोनों राज्यों में भी चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के लिए चुने जाने की वजह समझ लीजिए। विष्णुदेव साय बड़े आदिवासी नेता है और छत्तीसगढ़ में 32% आबादी आदिवासी समुदाय की ही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों पर बीजेपी की जीत में इनका महत्वपूर्ण रोल है। विष्णुदेव साय सांसद और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वो दो बार छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, संघ के करीबी नेताओं में से एक हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के कुनकुरी सीट से 87,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि विष्णुदेव साय को चुनाव जिताइए और इन्हें बड़ा आदमी बनाया जाएगा। उस बयान का मतलब आज क्लियर हो गया। ये नरेंद्र मोदी जी का सरप्राइज है, कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन जो नहीं जानते वो हो जाता है। जो पार्टी निर्णय लिए है सब सोच समझ के निर्णय लिए है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, जो निर्णय लिए है पार्टी के हित में निर्णय लिया। आदिवासी राज करेंगे, आदिवासियों की आवाज बनेंगे, हर वर्ग को साथ लेकर विष्णुदेव साय जी प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करेंगे। विष्णुदेव साय सहित 7 नामों पर सीएम बनाने की चर्चा हुई और इनमें विष्णुदेव ही क्यों चुने गए, इसकी वजह है बीजेपी की 2024 वाली तैयारी। विधानसभा की तरह बीजेपी ने लोकसभा के लिए भी क्लीन स्वीप का टारगेट रखा है। विष्णुदेव साय की मदद से आदिवासी वोटों पर बीजेपी की पकड़ और मजबूत होगी। विष्णुदेव साय केंद्र में मंत्री चुके हैं, यानी इनके पास राजनीतिक अनुभव भी है। ये संघ के करीबी है, यानी संगठन पर भी इनकी पकड़ है। इससे बढ़िया क्या निर्णय होगा, श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या। विष्णुदेव साय का सिलेक्शन करने के लिए 54 विधायकों के साथ बीजेपी के पर्यवेक्षकों और पार्टी के सभी बड़े नेताओं की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ में विष्णु राज शुरू होने वाला है। हालांकि अब तक ये नहीं बताया गया है कि डिप्टी सीएम के लिए किसका नाम सिलेक्ट किया गया है। मीटिंग से पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने डिप्टी सीएम चुने जाने का दावा किया था। कोई संकेत मिले हैं, कोई बातचीत हुई है? नहीं, किसी से कोई संकेत नहीं। विधायक दल में बैठक में ऑब्जर्वर से मुलाकात हुई? नहीं, अभी जा रहा हूँ।
तो क्या लग रहा है कि कब आज अनाउंसमेंट हो जाएगा? आज डिप्टी सीएम भी बनेंगे, बाकी भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ में सीएम पद की रेस में डॉक्टर रमन सिंह समेत कई नेता थे, लेकिन इस रेस में विष्णु देव साय को आलाकमान और विधायक दोनों का ही साथ मिला है। विष्णु देव साय बीजेपी के तरफ से छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी सीएम होंगे। इन्होंने अपना राजनीतिक करियर मध्य प्रदेश विधानसभा से शुरू किया था, हालांकि बाद में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया और तब विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ आ गए। विष्णु देव साय का जन्म 1964 में जशपुर में हुआ था और राजनीति में आने से पहले वो किसान थे। विष्णु देव साय को पीएम मोदी और अमित शाह का खास भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के भावी मुख्यमंत्री विष्णु देव बनेंगे, इस खबर के आने के बाद से उनके घर में खुशियां मनाई जा रही हैं। कैसा लग रहा है माँ, सपना पूरा हुआ? सपना पूरा हो गया, अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बीजेपी ने 24 घंटे पहले ही ऐलान किया था कि छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। अब विष्णु देव साय का नाम सामने आने के बाद 8 दिनों का सस्पेंस खत्म हो गया। रुपेश गुप्ता के साथ अश्विनी पांडे, जी मीडिया, रायपुर। जी न्यूज़।